साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों आज हम आपके बीच बात करेंगे स्टिमुलिव सीरप। साथियों फ्रैंको इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी का ये प्रोडक्ट है। साथियों ये बहुत ही फेमस और बहुत पुराना प्रोडक्ट है। साथियों मतलब काफ़ी दिन से मार्केट में है। साथियों फ्रैंको इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी एक मुंबई की कंपनी है जो आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी मेडिसिन भी बनाती है। साथियों जो स्टिमुलिव सीरप है ये आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी मेडिसिन है। इसमें जो भी इसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ है आयुर्वेद बेस पे हुआ है और जो इसका कॉम्बिनेशन है वो क्रूड ड्रग का है, आयुर्वेदिक कॉम्बिनेशन है। साथियों जैसा कि इसमें लिखा है 100 ml सीरप है, लीवर स्टिमुलेंट एंड टॉनिक स्टिमुलिव सीरप। साथियों इसके बारे में बात करेंगे, सबसे पहले जानेंगे डिस्क्रिप्शन के बारे में, स्टिमुलिव सीरप है क्या, साथ ही साथ इसके इंपॉर्टेंट यूजेस के बारे में बात करेंगे एंड साइड इफेक्ट की बात करेंगे और प्रिकॉशन की बात करेंगे, इंट्रैक्शन की बात करेंगे और ये किसको किसके ऊपर नहीं यूज करना है, कहने का मतलब वार्निंग के बारे में बात करेंगे, डोजेस की बात करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे स्टिमुलिव सीरप है क्या। स्टिमुलिव सीरप कंटेन कालमेघ, आयुर्वेदिक इसमें जो कॉम्बिनेशन पड़ा है उसके बारे में बात करेंगे। एक तो कालमेघ मिला है, भृंगराज मिला है एंड भूमि आमला मिला है, कुटकी मिला है एंड गुदची मिला है। साथियों एंड ये आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रॉपर्टी है, दी जा क्रूड ड्रग्स एंड सिट्रक निम्बा मतलब एक नींबू कह सकते हैं, नींबू मिला है संस्कृत वर्ड है एंड कुमारी मिला है एंड सरफेरखा मिला है इसमें एंड साथियों साथ ही साथ इसमें गुदची मिला है एंड स्टिमुलेंट ये मतलब सीरप है जो कि लीवर एक टॉनिक है, लीवर को जो है क्या होता है कि स्टिमुलेट करती है और उससे क्या होता है भूख बढ़ती है, तो लॉस ऑफ एपेटाइट और जॉइंटिस में इसका उपयोग बहुत अच्छा होता है। कहने का मतलब है स्टिमुलेट सीरप आर यूज्ड इन लॉस ऑफ एपेटाइट एंड जॉइंटिस एंड लीवर प्रॉब्लम में इस्तेमाल किया जाता है एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर सपोर्टिव थेरेपी इन वायरल हेपेटाइटिस। साथियों क्या होता है जिसको वायरल हेपेटाइटिस हो जाता है उसमें जो मेडिसिन चलती है उसके साथ इसका सपोर्टिव मेडिसिन जो है उपयोग किया जाता है। और टॉक्सिक हेपेटाइटिस, कभी कभी टॉक्सिक हेपेटाइटिस हो जाता है और बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीने से अल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो जाता है, तो उसमें सपोर्टिव मेडिसिन के तौर पर इसको जो है स्टिमुलिव सीरप को इस्तेमाल किया जाता है। एंड ऑल द इन्ग्रेडियंट इन स्टिमुलिव आर पोटेंट, बहुत ही शक्तिशाली और ट्रूली सेफ है क्योंकि आयुर्वेदिक बेस पे है एंड हाईली इफेक्टिव लीवर सपोर्टिव मेडिसिन। ये हाईली इफेक्टिव लीवर सपोर्टिव मेडिसिन टू इम्प्रूव लीवर फंक्शन, और ये क्या करता है लीवर फंक्शन को इम्प्रूव करता है एंड प्रिवेंट लीवर डैमेज, और लीवर को डैमेज नहीं होने चाहता है। साथियों इसको हेल्दी पर्सन भी क्या होता है कि अगर ईयर में वन टाइम अगर इसको पी लेता है तो जो कोई भी विकार है लीवर में वो कभी होगा नहीं, उस तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ जिसको भी मतलब लीवर की प्रॉब्लम है वो भी, और जिसको भूख नहीं लगती है उसके लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। और भी इसके बहुत से हिडन इसके यूजेस हैं, डॉक्टर अपने विवेक से इसको लिखते हैं क्योंकि इसमें आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी मिली है। तो साथियों ये तो यूजेस और डिस्क्रिप्शन की बात हो गई है, शॉर्ट में एक बार यूजेस के बारे में और बताएंगे। साथियों जैसा कि इसमें लिखा है लीवर स्टिमुलेंट टॉनिक है ये, साथ ही साथ क्या है कि ये मतलब जॉइंटिस में भी सपोर्टिव मेडिसिन में इस्तेमाल किया जाता है, एल्कोहलिक हेपेटाइटिस सपोर्टिव मेडिसिन में इसको रिकमेंड करते हैं। साथ ही साथ क्या होता है वायरल हेपेटाइटिस अगर किसी को हो जाता है और टॉक्सिन हेपेटाइटिस हो जाता है उसमें सपोर्टिव मेडिसिन में इसका उपयोग किया जाता है, और ये लीवर के फंक्शन को इम्प्रूव करता है। साथ ही साथ क्या होता है साथियों जिन रोगियों को या महिलाओं को लड़कियों को एक्ने बहुत निकलते हैं तो उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है सपोर्टिव मेडिसिन में, और एलर्जिक राइनाइटिस जिनको हो जाता है क्योंकि इसमें आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी मिली है तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है। एंड एलोपीसिया साथियों क्या होता है कि कभी कभी किसी किसी मरीज को आप देखेंगे कि सर में हेयर गिर जाते हैं पर पूरे नहीं, कहीं पर जैसे छोटी छोटी टिपड़ी टाइप की बन जाती है, चकत्ते टाइप के बन जाते हैं और वहाँ के सारे बाल गिर जाते हैं और चिकना चिकना हो जाता है सर, तो उसको ये कहते हैं। तो इस तरह से बहुत से जो है इसके यूजेस हैं, डॉक्टर अपने हिसाब से रिकमेंड करते हैं। साथियों इसके इस्तेमाल से कुछ हल्के फुल्के साइड इफेक्ट देखे गए, जैसे किसी किसी रोगियों को हल्का सा हेडेक होने लगता है, कभी कभी डायरिया बन जाता है क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रॉपर्टीज है इसमें, और थकान ऐसी लगती है और भूख बहुत बढ़ जाती है, एनोरेक्सिया हो जाता है। तो इस तरह के हल्के फुल्के साइड इफेक्ट हैं और इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है। साथियों प्रिकॉशन की बात करेंगे, व्हेन यू गो टू डॉक्टर और फार्मासिस्ट
तो आप जब भी जाते हैं अगर कोई बीमारी पहले से या कोई दवा चल रही है तो डॉक्टर को जरूर बताएं, क्योंकि बहुत सी दवाइयों का प्रिकॉशन होता है कि किसी चीज़ के साथ नहीं देना चाहिए। जैसे लीवर स्टिमुलेंट स्टिमुली सीरप जो हमारे पास है, इसका प्रिकॉशन ये है कि ब्लीडिंग कंडीशन अगर है तो इसका उपयोग नहीं करेंगे, डॉक्टर इसको रिकमेंड नहीं करते हैं। साथ ही साथ जिन रोगियों का लो ब्लड प्रेशर रहता है उसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता है, और प्रेग्नेंट महिलाएँ इसमें नहीं इस्तेमाल करती है, क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रॉपर्टी है, बहुत सी चीज़ें मिली हैं तो कोई ना कोई इसको विकार हो सकता है। तो ये तो प्रिकॉशन की बात थी। साथियों बहुत सी मेडिसिन के साथ इनग्रे मतलब इंटरेक्शन होने के चांस होते हैं, तो जैसे कि ब्लड प्रेशर की जो भी दवाई खाते हैं उनको इसकी सीरप को नहीं लेना है। अगर कोई दवाई आपकी चलती है तो आप डॉक्टर को तुरंत बताएं। तो जैसे एमलोडिपिन कोई खा रहा है, या एंटी डायबिटीज़ बहुत शुगर का रोगी है डायबिटीज़ टैबलेट खा रहा है, या कैप्टोपिल इनलाप्रिल है, या पेशाब बढ़ाने की दवा जैसे लैसिक्स है मतलब एंटी डायबिटिक अगर दवा ले रहा है कोई, तो उसके साथ इसका सेवन नहीं किया जाएगा। साथियों स्टिमुली सीरप नॉट टू बी यूज, ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल नहीं होना है, कहने का मतलब है वार्निंग के तौर पे, जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं उनको इस्तेमाल नहीं करना है। और क्या होता है कि उससे जो है दवाई का असर जो है बच्चे में मिल्क के जरिए जाने के चांस रहते हैं। साथ ही साथ फर्टिलिटी जिनको प्रॉब्लम होती है, जैसे कि बच्चा नहीं पैदा हो रहा है या कोई प्रॉब्लम है वो बच्चा चाह रहे हैं, ऐसे कि इसमें इस दवाई का सेवन ना करें, और प्रेग्नेंट महिलाएं इसको दवाई का सेवन ना करें, और जिनको रूमेटॉइड अर्थराइटिस होती है उन वो जो है इस दवाई का सेवन ना करें। दिस इज वार्निंग। साथियों इसके बाद हम बेस्ट इसके जो है यूजेस की बात करेंगे। यूजेस की बात करेंगे तो इसमें जो इन्फेंट में है वो आधा चम्मच, बहुत छोटे बच्चे इन्फेंट को भी दे सकते हैं डॉक्टर की पीडियाट्रिशियन की सलाह से, आधा चम्मच मतलब दिन में दो बार दे सकते हैं, ट्वाइस ए डे सुबह और शाम। या फिर बच्चों में क्या होता है एक चम्मच से लेके मतलब आधी चम्मच से लेके एक चम्मच तक दे सकते हैं, दिन में तीन बार या दो बार दे सकते हैं। साथ ही साथ एडल्ट पर्सन में वन और टू स्पून टेबल स्पून फुल होता है, 5 ml का होता है दिन में, मतलब कहने का मतलब है 5 से 10 ml सीरप जो है दिन में दो या तीन बार दे सकते हैं। इंग्लिश में ऐसे कहेंगे वन और टू टी स्पून ट्वाइस और ट्राइस ए डे, दिन में तीन बार। तो कहने का मतलब है साथियों किसी तरह की क्वेरी होती है तो आप हमें जरूर मतलब कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और साथियों जो इसका मार्केट में MRP है 81 rupees 20 paisa है। तो साथियों इसी के साथ विराम देंगे। साथियों नमस्कार।